दूसरा सीजेपी गुजरात हाईकोर्ट में गई कि ये जो पूरे कॉन्वर्सेशन थे इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि हमें डर था कि अगर मुकदमा 10 साल चलेगा और ये ऑथेंटिकेट नहीं होगी तो जब तक मुकदमा चलेगा तब तक ये एविडेंस ही चला जाएगा हाथ से। गुजरात हाईकोर्ट ने नकारा, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमने मांग रखी दिसंबर 2007 में कि यही मांग रखी कि हमें आप ऑर्डर दीजिए ताकि ये तेहलका की जो कसेट से वो ऑथेंटिकेट करवा लीजिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से, सीबीआई से। सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा, फिर हमने कहा कि क्या करेंगे, ये तो हमारा गुजरात का मामला बढ़ते जा रहा है, ये एविडेंस हाथ से निकल जाएगा। हमने एक तुक्के में रात में बैठकर एक लेटर लिख दिया एनएचआरसी, मानवाधिकार आयोग को मैंने लेटर लिखा, जस्टिस राजेंद्र बाबू जब चेयरमैन थे, और किस्मत चमकी हमारी कि उन्होंने दो दिन के बाद हमें बुला लिया। हमने बोला देखो हाईकोर्ट नकार रहा है, सुप्रीम कोर्ट नकार रहा है, हमारा एविडेंस चला जाएगा, आपके पास अधिकार है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, आप सीबीआई की तहत इसको ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। उन्होंने बोला तुम्हारी बात तो ठीक है, लीगली बात तो तुम्हारी ठीक है, देख मैं देख सकता हूँ मैं क्या करता हूँ। उसके बाद उन्होंने फुल कमीशन की मीटिंग बुलाई, चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। फरवरी 2008 में एनएचआरसी ने ऑर्डर पास किया, सीबीआई को दे दी पूरे कसेट, और आज हमारे गुजरात कोर्ट में जो केस चल रहे हैं वो सीबीआई के ऑथेंटिकेटेड कसेट सामने रखी। तो इस तरह हर वक्त पे हर जगह जाके अपने मकसद से आपको लेना पड़ेगा, कभी यहाँ से मिलेगा आपको तो कहीं वहां से मिलेगा, सिर्फ एनसीएल से नहीं मिलेगा तो एनएचआरसी से भी मिल सकता है। तो आप इस तरह से नजरिए से देखिए कि जहां मानवाधिकार के सवाल है, जब जो इंस्टीट्यूशन हमारे ये अधिकारों के लिए हमारे चिल्लाने चीखने की वजह से सरकार बना लेती है खुश करने के लिए, कई समय के लिए अच्छे चलते हैं फिर बुरे चलते हैं, मगर इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाने के लिए जब तक पब्लिक की डिमांड नहीं होगी, पब्लिक का आवाज नहीं उठेगा, तब तक ये इंस्टीट्यूशन हमारे दूर ही रखे जाएंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि एक पब्लिक के करीब आए। मगर क्योंकि आप और हमारा ये मसला है, इसलिए हमको ये इंस्टीट्यूशंस को एक्टिवेट करना, हमारे स्ट्रगल का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मानव अधिकार और अल्पसंख्यक, गलतफहमियां, प्रेजुडिस, टेक्स्ट बुक्स को लेकर रूपरेखा जी ने जो बात आपके सामने रखी, शुरू से आखिर तक जो एक मानसिकता बनाई जाती है मेजोरिटी की माइनॉरिटी के खिलाफ, वो एजुकेशन के थ्रू भी बना जाती है, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, कल्चर, गाना, कोर्ट का उन्होंने बताया, मैं पुलिस स्टेशन का उदाहरण आपको दे सकती हूँ, क्या डीजीपी की गाड़ियां उसी मंदिर के साथ घूम रही है, ये सब चीजों के खिलाफ हमारी नजर उठाना है, हमारी आवाज उठानी है। मगर मानव अधिकार की लड़ाई हमारी जो है अल्पसंख्यक की, अगर हमें मजबूत करनी है तो हमें हर मानव अधिकार की लड़ाई का साथ देना पड़ेगा, अगर हम नहीं देते हैं तो फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कल सुबह मैं यहां तक यहां पे आ गई थी, इसलिए मैं वो आंदोलन में नहीं जुट सकी, मगर हमारे 300 लोग कल रात 12 बजे तक पुलिस रूम में बंद थे तारापुर में, क्योंकि जैतापुर का प्रोसेशन शुरू हो रहा था, दो जजेस अरेस्ट हो गए। शर्म की बात है कि महाराष्ट्र अपने आप को एक सेक्युलर सरकार कहते हुए, पुरोगामी देश है महाराष्ट्र, जस्टिस कोलसे पाटिल और जस्टिस सावंत को अरेस्ट करके उनको रोका गया ताकि वो जैतापुर के मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ, न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ जो वहां की जनता खड़ी हुई है उनके वो समर्थन दे रहे हैं, उनको तारापुर भोईसर पुलिस स्टेशन में रोका, और उनके साथ जो 300-400 कार्यकर्ता थे वो 12-1 बजे तक पुलिस स्टेशन में बंद थे, उनके 30-40 औरतें भी थी। ये सब आंदोलन को भी हमको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मानव अधिकार तब नहीं होता जब मेरे दरवाजे पे खटखटा हो, मानव अधिकार तब होता है, यहाँ पे आपके पोस्टर पे लगा हुआ है, खालिद भाई ने बहुत बढ़िया पोस्टर यहाँ पे बनाए हैं, और खुशरू साहब ने भी, कि जो मार्टिन लूथर किंग के बारे में उन्होंने लिखा है कि द क्वेश्चन ऑफ इनजस्टिस एनीवेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ राइट फॉर जस्टिस एवरीवेयर, मतलब जो हमारे साथ हुआ इसीलिए ये मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये हुकूमत की नजरिया बनता जा रहा है। और जब हम गरीबी की बात कर रहे हैं, आज के हाल में मैं मानती हूँ कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ जो देश भर में हो रहा है, वो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, जमीन और वो तो रोजी रोटी की लड़ाई है,
मोदी एक तबियत के साथ स्टेट टेररिज्म ही चल रहा है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा सुने, सोचे और हमारा आवाज बढ़ाए ताकि मानवाधिकार के समझ के बारे में हमारी समझ थोड़ी खुली और इंक्लूसिव हो जाए, तो फिर हमारा आवाज लोगों तक पहुंचने में ज्यादा आसान होगा। आपको शायद पता हो या न पता हो, जैतापुर में 85% ऑफ द पॉपुलेशन मुसलमान मच्छीमार है। हम तीन बार वहां जाके आए, उनकी लाइवलीहुड का सवाल, वो न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ आइडियोलॉजिकली अपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मगर उनकी रोजी रोटी पे मार पड़ेगा। अगर गुरु के सामने बोलेंगे तो हम डेथ पेनल्टी के खिलाफ साथ साथ बोलेंगे, क्योंकि कोई भी मानवाधिकार कार्यकर्ता जान लेना सपोर्ट नहीं कर सकता। इतने ही कहते हैं, शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।